इंसान की ज़िंदगी ना बड़े बड़े हादसे नहीं बदलती है। बड़े बड़े हादसे से मेरा मतलब यह है कि कभी एक्सीडेंट हो जाना, चाहने वालों की डेथ हो जाना, ये सारे हादसे आपकी ज़िंदगी में कितनी बार होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या दो बार। और ये हादसे जितना ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करते ना, उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को बर्बाद ये छोटी मोटी हर दिन की जो खिटपिट होती है ना, वो करती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें दिमाग में हमेशा चलती रहती है, घूमती रहती है, और हमारा ना एकदम जो पीस है दिमाग का वो खत्म कर देती है। और जब हमारे, पता है, किसी को अगर आपसे दुश्मनी निकालनी हो तो वो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत 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 खास होगी आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे कॉमन कुछ गलतियों के बारे में शेयर करूंगी जो कि हम जाने अनजाने अपनी लाइफ में करते हैं और फिर अपनी ही लाइफ को और ज़्यादा उलझा लेते हैं। शायद अगर हम वो गलतियाँ नहीं करते तो हमारी लाइफ कुछ और होती। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं तो आज ही संभल जाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं अपने लाइफ में फ्रेंड्स, कि हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं। जब किसी एक लड़के की शादी होती है तो वो अपने आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। उसको लगता है कि सबको टाइम से खाना देना, टाइम से चाय देना, टाइम से दवाई देना, ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके बदले में लड़कियाँ सिर्फ इतनी उम्मीद करती हैं कि उनको थोड़ा सा सम्मान और प्यार मिले, लेकिन हमारे हिस्से में वो चीज़ आती नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि हम ना इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं कि हमारी खुद की भी कोई सेल्फ वर्थ है हम ये खुद ही भूल जाते हैं। आपको पता है जब हम ऐसा करते हैं तो जितने भी लोग हमारे आसपास के होते हैं वो हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरी बहू है, ये जो मेरी बेटी है, ये जो मेरी बहन है, इसकी ज़िंदगी मेरे अनुसार चलनी चाहिए। इनको मैं बताऊंगा कि इनको अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अधिकार ना हम ही उनको देते हैं। हम ही बार बार उनकी बातें मानकर उनको ये अधिकार देते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी को चलाओ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लोग आपसे उम्मीद रखेंगे, और उन उम्मीदों को पूरा करते करते अगर आप मर भी जाए ना, फिर भी किसी को आपकी चिंता नहीं होगी। बाद में लोग आपको यही कहेंगे कि ये तो ऐसे नहीं करती थी, वैसे नहीं करती थी। लोग आपको आपकी अच्छाइयों के लिए कभी याद नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते आप अपने आप को मत भूलिए। लोगों को खुश करते करते अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो हमारी लाइफ है ना फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी है और इसमें हम पूरी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में नहीं निकाल सकते हैं। कुछ समय अपने आप को भी दीजिए और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए और ख़ुद को खुश कीजिए। ले दोस्तों, तो अब मैं दूसरी गलती डिस्कस करती हूँ। हमारी दूसरी गलती ये होती है फ्रेंड्स कि हम अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा चंद्रमा बनना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हमेशा दूसरों की रोशनी में चमकना चाहते हैं। जैसे अगर हमारे पापा डॉक्टर हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पापा डॉक्टर हैं तो मैं भी अमीर हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। अक्सर मैंने लोगों को सुना है कहते हुए, अगर उन्हें किसी लड़की को डीमोटिवेट करना होता है, डिस्करेज करना होता है, तो वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हस्बैंड वो चीज़ हैं, हम नहीं हैं। अगर हमारे हस्बैंड कोई बड़ी पोस्ट पर हैं तो हम भी उस पोस्ट पर नहीं हैं। हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि हम कुछ नहीं करते अपने लिए, हम बेरोज़गार हैं। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और जो लोग आपको ऐसा कहते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपकी ज़िंदगी का उत्साह कम करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे विकलांग हो, दुखी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका उत्साह बहुत हाई है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी की जंग ना फ्रेंड्स उत्साह से जीती जाती है, पैसों से नहीं जीती जाती। और जिस दिन आपका उत्साह ख़त्म हो जाता है उस दिन फिर आप अपने लिए कुछ भी करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी में कभी भी चंद्रमा मत बनिए। दूसरों की रोशनी में चमकने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपनी ज़िंदगी का सूरज बनिए। और जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी का सूरज बनने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपको थोड़ा जलना पड़े, थोड़ा तपना पड़े, लेकिन जब आप चमकेंगे ना पूरी दुनिया देखेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं तीसरी गलती डिस्कस करती हूँ। तो हम एक गलती और ये करते हैं फ्रेंड्स कि हम दूसरों को समझाने में अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक आज ना ज़िंदगी का सच बताती हूँ, जिस दिन आप ये समझ जाए ना
कि किसी और को समझाना पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में, उस दिन आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करने से बच जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, आर्ग्यूमेंट करूँगी, खुद को प्रूफ करूँगी और उसको बताऊँगी कि मैं ऐसी नहीं ऐसी हूँ। लेकिन आपको पता है ये सब बकवास है। आप कभी भी किसी भी इंसान को समझा नहीं सकते कि मेरे बारे में ये सोचो, मैं सही हूँ। और ये गलती ना ऑलमोस्ट सारी सारी हाउसवाइफ्स करती हैं। और जिस दिन आपको ये पता, क्योंकि पता है फ्रेंड्स आपको, जिसको गलत सोचना है आप 1000 काम सही कर लीजिए, वो आपके बारे में गलत ही सोचेगा, और जिसको सही सोचना है ना आपकी सारी नेगेटिविटी को भुला देगा और एक पॉजिटिव काम के लिए भी आपको अप्रिशिएट करेगा। तो इसीलिए ना जो हम इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं उनको समझाने में, उनके सामने खुद को प्रूफ करने में, इस टाइम को ना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लीजिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करके कोई स्किल सीख लीजिए, कुछ अच्छा सीख लीजिए, अपने आप को कीमती बनाइए। जिस दिन आपके सेल्फ वर्थ बढ़ेगी ना, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे वो सब आएंगे आपसे बात करने के लिए। दुनिया ना, पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी और आपके प्रशंसक बढ़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ तो मेरे ही चाहने वाले हैं। तो इसीलिए दूसरों को समझाने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए अब मैं चौथी गलती एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारी चौथी गलती ये होती है फ्रेंड्स कि हम इग्नोर करना नहीं सीखते। अब इग्नोर करने से मेरा मतलब क्या है, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि दी मेरी सास, मेरे ससुर ये बोलते हैं, ऐसे करते हैं, छोटी छोटी बातों में मुझे ताना मारते हैं और इस वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, इंसान की ज़िंदगी ना बड़े बड़े हादसे नहीं बदलती है। बड़े बड़े हादसे से मेरा मतलब ये है कि कभी एक्सीडेंट हो जाना, चाहने वालों की डेथ हो जाना, ये सारे हादसे आपकी ज़िंदगी में कितनी बार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या दो बार। और ये हादसे जितना ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करते ना, उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को बर्बाद ये छोटी मोटी हर दिन की जो खिटपिट होती है ना वो करती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें दिमाग में हमेशा चलती रहती है, घूमती रहती है, और हमारा ना एकदम जो पीस है दिमाग का वो ख़त्म कर देती है। और जब हमारे, पता है किसी को अगर आपसे दुश्मनी निकालनी हो तो वो आपका मेंटल पीस बर्बाद कर दे, और अगर आपका मेंटल पीस बर्बाद हो गया तो फिर आप चाह के भी लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि लड़कियों को बहुत छोटे छोटे ताने दिए जाते हैं, लाइक तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है क्या, अगर आप कभी कुछ खरीद कर लाएंगे घर तो हो सकता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी हो, लेकिन सामने वाला ये कह दे कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है, ये तो मैं इतने पैसे में ही लेकर आ सकती हूँ। इस तरह की कोई आपको ये भी कह सकता है कि अरे तुम्हारे और तुम्हारी सास की उम्र तो बराबर है, तुम लोग तो देखने में बहन लगती हो। तो इस तरह की चीज़ें और ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ज़्यादा चुभती हैं, एकदम सुई की तरह चुभती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो बोल के तो निकल जाते हैं एक टाइम पे, और हम ऐसा सोचते हैं कि आखिर इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा। और आपको पता है उनकी बुद्धि इतनी ही छोटी है फ्रेंड्स, वो इससे ज़्यादा आपको और कुछ कह ही नहीं सकते, और आप उनके पीछे इतना समय बर्बाद कर रहे हो सोच कर क्यों कहा, क्यों कहा। मैं आपको बताऊँ, जब मेरे साथ ऐसा कभी होता है ना तो मैं बस मन में यही सोचती हूँ कि तुम्हारे पास इतना ही दिमाग है, तुम यही सोच सकते हो, और मुंह पे एकदम स्माइल रखती हूँ और ऐसा इग्नोर करती हूँ कि सामने वाला बंदा ना शर्मा जाएगा, ऐसा इग्नोर करती हूँ। और इन सब चीज़ों को ना आप यही सोच कर इग्नोर कीजिए कि इनका ज़िंदगी में ताने मारने के सिवाय और कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आप इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागेंगे ना, आप बड़ा चीज़ कैसे अचीव कर पाएंगे बताइए। आप जिन चीज़ों को आज वैल्यू देंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में आगे मैनिफेस्ट होगी। आप वैल्यू दे रहे कि अरे उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, तो बस यही चीज़ें आपकी लाइफ में रोज़ होंगी। अगर आप उनको इग्नोर करके ये सोचेंगे कि अरे यार बोलने दो जो बोलना है, मुझे तो पढ़ना है, तो फिर वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और असली बात ये है फ्रेंड्स कि जब हमारा ध्यान पढ़ाई पर होता है ना, सिर्फ जब हमारा ध्यान सिर्फ गोल पर अपने होता है कि मुझे एक साल के टाइम पीरियड में इतना कुछ अचीव कर लेना है, फिर ये बातें आपको सुनाई ही नहीं देंगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि ठीक है यार जाओ कोई बात नहीं, मुझे आज का टारगेट कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लड़की को, वरना ये दुनिया ना आपको पागल बना देगी, कभी कुछ कह के।
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं पांचवी गलती डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली में ये एक पांचवी गलती नहीं है, ये मेरी तरफ से एक बहुत स्पेशल बोनस पॉइंट है आपके लिए कि हमारा, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि लड़कियों का हाथ ना हमेशा ऐसे होना चाहिए, गिविंग गिविंग पोजिशन में, कि हमें किसी को कुछ देना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमेशा मुझे चाहिए, अगर मुझे ड्रेस खरीदना है तो पैसे दे दो, घूमने जाना है तो पैसे दे दो। नहीं, ऐसी लाइफ अपनी मत बनाइएगा कभी। हमेशा अपनी ज़िंदगी ऐसे रखिएगा कि किसी को कुछ ज़रूरत पड़े तो आप देने वाले बने, लेने वाले नहीं। और जिस दिन ये माइंडसेट आपका हो जाएगा ना, आपकी लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। मैं भी पहले सोचती थी कि मुझे किसी से एक रुपया नहीं लेना है, और जितना मैं ये सोचती थी उतना ज़्यादा मैं ये कर भी पाती थी, और ज़्यादा ट्यूशंस पढ़ाती थी और ज़्यादा मेहनत करती थी, और अपने दम पर मैंने अपना पूरा एकेडमिक्स कंप्लीट किया। और सोचिए, उस टाइम पे मुझे कुछ दिमाग भी नहीं था, दुनियादारी की समझ भी नहीं थी, पर मैंने वो सब किया। अभी तो आप बहुत बेटर सिचुएशन में होंगे। जिस दिन ये ठान लेंगे कि मुझे लेना नहीं है किसी से ना, उस दिन देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगा कि ये 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।